फ्रेंड्स, वेलकम टू सुब मेडिकोस। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आइदर मेल हो या फीमेल हो। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने कैसे हैं और शुरुआती में ये कहाँ से बनता है। सो गाइस, एक मदर जब कंसीव होती है, तो उसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके बच्चेदानी में एक इम्प्लांट होता है, एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है। जो छोटा सा बच्चा इम्प्लांट होता है, उसके जो बच्चेदानी में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जब 6 से 7वें हफ्ता पहुंचता है, तो उस बॉडी में, उस बेबी के बॉडी में कुछ जैसे धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गेन्स, उसके बॉडी डेवलप करते हैं, तो उसमें ही कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसी से मॉडिफाई होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये जो दो राउंड होता है, ये बाइपोटेंशियल गोनाड्स होता है। यही दो राउंड से या तो ये ओवरी बनता है या तो ये टेस्टिस बनता है। अगर फीमेल हो तो दोनों में उसके दो ओवरी, जो अंडे जिसमें बनते हैं, तो ये दोनों ओवरी क्रिएट होता है, अगर फीमेल की क्रोमोसोम्स हो। अगर मेल की क्रोमोसोम्स होती है, तो यही दोनों टेस्टिस बनता है और वो डिसेंट होकर नीचे आके स्क्रोटम में रह जाता है। सो गाइस, इसी स्ट्रक्चर से मॉडिफाई होके अगर क्रोमोसोम्स एक्स वाई हो, तो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम इसी में मॉडिफाई होके बनते हैं। अगर फीमेल की जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो, तो ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब हम जानते हैं 6 से 7वें हफ्ते से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो तैयारी होना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बनना शुरू होता है, वो 6 to 7 वीक से शुरू हो जाता है। एंड अप टू 10th week ये सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है कि वो फीमेल है या मेल है। बट ये एक इलीगल थिंग है, जो हम उसको हम डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई स्टडी ये बताया जाता है कि 10वें हफ्ते में सेक्स डिफरेंशिएट हो जाता है, आइदर वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। अब मैं इसमें बात करती हूँ, जैसे कि ये जो है, ये एक डक्ट होता है, ये भी डक्ट है, तो ये उल्फियन डक्ट बोलते हैं, जो कि ये मेल का डक्ट होता है। अगर मेल की क्रोमोसोम्स है, तो इसी स्ट्रक्चर से, ये दोनों उल्फियन डक्ट से पूरे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार होते हैं। अगर फीमेल है, तो उसको ये डक्ट होंगे मुलेरियन डक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हुए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होते हैं। तो इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे अगर फीमेल है, तो फीमेल के ये जो ओवरीज बन जाएंगे, उसके अंडे के थैले बन जाएंगे, ये दोनों ओवरीज और मॉडिफाई होके एक फीमेल स्ट्रक्चर बनेंगे, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको ये इमेजेस दिखा देती हूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर मेल बनता है, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन तैयार होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, तो इस टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके तैयार होते हैं। देखिए गाइस, ये एन एग्जाम्पल है। इसमें आपको अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होंगे, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है, तो मेल के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डेवलप होते हैं। ये इंटरनली रहता है, यहाँ से जो पोर्शन है, यहाँ से जो ये देख रहे होंगे, ये इंटरनल एरिया में, एब्डोमेन में रहता है एंड पेल्विक एरिया में रहता है, और ये जो स्क्रोटम है एंड ये जो पेनिस है, ये एक्सटर्नल एरिया में रहता है। सो गाइस, इसमें हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर को हम कैसे समझेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं कि स्क्रोटम में एंड पेनिस रहता है, एंड इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए उसके ब्लडर है, ये जो है ये ब्लडर है, इसमें यूरिन स्टोर होते हैं। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपके स्पर्म को लिक्विफाई करने में काम आता है। एंड ये है सेमिनिफेरल ट्यूबल्स, जो कि ब्लडर के दोनों साइड में रहता है, ये भी आपके जो स्पर्म होते हैं उसको लिक्विफाइड करता है। एंड साथ में ये है जो, जहाँ से आपके वास डिफरेंस, जहाँ से जो स्पर्म होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, और इसी जो ट्रैवल करते हैं, उस लेक्चर पे मैं टॉपिक बनाऊंगी। और
अभी तो मैं बात कर लेती हूँ एक्सटर्नल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल की। तो यही हुई बात, एक्सटर्नली जो है ये हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नली लाई रहता है, एंड जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर, वो जो प्रोसेस मैं इससे पहले बता रही थी, वो सारे मॉडिफाई होके इस टाइप के ऑर्गन डेवलप करते हैं। तो ये इंटरनली रहता है। इस तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल किस किस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कैसे होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं स्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं फ्रॉम स्कोटम टू द यूरेथ्रा, एंड इजाकुलेटरी के टाइम पे कैसे वो इजाकुलेट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब